11 न्यूज नालंदा। शादी का झांसा देकर युवती के साथ यौन शोषण किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर, जांच में जुटी महिला थाना पुलिस। बिहार शरीफ के दीपनगर थाना इलाके के देवीसराय में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ यौन शोषण किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। दरअसल युवती और युवक दोनों देवीसराय के ही रहने वाले हैं। युवती का शिशुपाल नामक युवक से प्यार हो गया और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। जब वह युवती उसे शादी के लिए कहती तो बार बार वह टालता गया। दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। जब युवती के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह गुहार लगाने आज से 3 महीने पहले दीपनगर थाना गई, जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। उसके बाद सामाजिक दबाव के कारण वह युवती अपने घर में रही, इस उम्मीद से कि शायद आज न कल मामला सुलह हो जाएगा। मगर जब कोई रास्ता नहीं निकला तब युवती महिला थाने पहुंची, जहां युवक के खिलाफ उसने आवेदन दिया है। आवेदन में उसने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि शिशुपाल से उसका प्यार था और दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए। आवेदन के आधार पर महिला थाना पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उसके फैमिली वाले मेरे अगेंस्ट है। लड़का कभी बोलता है हाँ कभी ना बोलता है, मुझे उसके साथ रहना है। लड़का क्या कह रहा है? लड़का वो कुछ नहीं करता है, वो अपना बिजनेस चलाता है। लड़का रखने को तैयार नहीं हो रहा है शादी करने? नहीं, लड़का कुछ दिन के लिए पहले तक तैयार था, अभी भी तैयार था, लेकिन वो बोलता है कि मेरे फैमिली वाले के साथ में तुम गिरोगी रहोगी तब तुमको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं गिरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़का पीछे हट गया। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या हुआ? परेशानी जी? परेशानी आपको क्या है? परेशानी यही है कि बस मतलब उसके फैमिली वाले घर पे आकर टॉर्चर करते हैं, कभी उसका भाई, कभी उसकी माँ, कभी उसके पापा, सब जगह से बोलो मतलब हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। जब पॉइंट की बात बोलते हैं तो वो क्लियर करना नहीं चाहते हैं। उस लड़के के साथ मुझे शादी करके बस रहना है। कंप्लेंट किए? कंप्लेंट किए थाना, महिला थाना में कंप्लेंट किए थे जी? हाँ,